तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक टू 13th एपिसोड ऑफ एनवीकली न्यूज़। तो बेसिकली आज वो ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, पर ठीक ठाक ही न्यूज़ है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट अपडेट एक लाइट नोवल से जिसका नाम है आई एम क्विटिंग हीरोइंग। तो बेसिकली उसकी एनी अपडेशन मिल चुकी है जो कि अप्रैल 2022 में आएगी। और अपनी सेकंड न्यूज़ भी एक उससे लेके ही है, मैंने लाइट नोवल को लेके ही है जो कि अपने द डीमन स्वॉर्ड मास्टर ऑफ एक्सकैलिबर लाइट नोवल को लेके है। तो बेसिकली इसको भी टीवी एनीमे मतलब मिल चुकी है। इसकी डेटा तो रिवील नहीं हुई, जब होगी तो मैं बता दूंगा। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ एक अपनी मांगा को लेके है। तो बेसिकली जैज थीमड मांगा है अपनी ब्लू जाइंट जिसकी मतलब एनिमे मूवी मिलने वाली है। इसके लिए इस डेट तक रिवील नहीं हुई है, जब होगी तो बता दूंगा। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है सेवन सीज को लेके। तो बेसिकली सेवन सीज लाइसेंस कर दिया है डायटियन डायटीज ओनली नोज पीस मांगा। बेसिकली इसकी मैं लाइसेंस ले लिया है इन्हें, इसलिए इसको इंग्लिश की मतलब इनके सब टाइटल मतलब कन्वर्ट करने वाले हैं जो कि अप्रैल 2022 में आ जाएगा मतलब इंग्लिश वॉल्यूम में। इसका बेसिकली आप कह सकते हैं कन्वर्ट करने वाले जैपनीज इंग्लिश में इसको, मतलब ऑफिशियल कर बोलते हैं आप इसको, क्योंकि नॉर्मली मतलब कन्वर्ट तो हो ही जाते हैं वैसे बेसिकली है, पर इनने मतलब ऑफिशियल इसको ले लिया है। तो उसी मांगा में ये सारी न्यूज़ थी आज। बात करते हैं एनिमे अपडेट्स के बारे में। तो बेसिकली पहला अपडेट अपना वाराथन को लेकर। बेसिकली वाराथन एक मतलब बहुत फेमस एनिमे है जिसे बहुत सारे मीम्स भी बने हैं। तो बेसिकली इसकी जो मूवी को अनाउंस कर लिया गया है जो कि 2022 में आएगी, बस सब इसके लिए एक्साइटेड है बेसिकली। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है जॉम्बीलैंड सागा को लेके, जिसकी मूवी अनाउंस हो चुकी है। बेसिकली ये क्लियर नहीं इसकी ये एनिमेशन वाली होगी कि लाइव एक्शन होगी। बेसिकली जो इसका क्रू है उनको इसके बारे में नहीं पता। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ है किंगडम को लेके। बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस एनिमे है, तो जो कि इसका सीज़न 4 है वो अनाउंस हो चुका है जो कि स्प्रिंग 2022 में आ जाएगा, मतलब बहुत सही न्यूज़ उनके लिए। तो ये तो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ ग्रिडमैन को लेके। तो पिछले पता हुआ दो एनिमल ग्रिडमैन की आ चुकी है जो थी SSS ग्रिडमैन, एक SSS डाइजोमोनॉन। बेसिकली इसके लास्ट एपिसोड में डाइजोमोन के इसमें इसके न्यू यूनिवर्स के लेके मतलब हिंट दी गई है जो कि मतलब अनाउंस होगा विंटर 2022 में। बेसिकली मतलब एक और यूनिवर्स आ जाएगा या फिर इनका कोलैब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद न्यूज़ विंटर में पता चलेगी। तो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है मॉब साइको लेके। तो बेसिकली मॉब साइको सीजन 3 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है जो काफ़ी सही न्यूज़ है। और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कागोसामा लव इज़ वॉर को लेके। तो ये बहुत फेमस एनिमे है, तो इसकी बेसिकली सीज़न 3 है वो अनाउंस हो चुका है जो कि प्रीमियम करेगा अप्रैल 2022 से। तो बेसिकली नेक्स्ट अपडेट है अपने एक बैडमिंटन एनिमे से। बेसिकली एक और बैडमिंटन एनिमे मतलब रिवील के मतलब ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है जो कि अपनी रियोमास क्लब को लेके। तो ये जनवरी 2022 से मतलब ये आ जाएगी। और बेसिकली ये ओरिजिनल एनिमे तो किसी मांगा बिहार से नहीं ली गई है। तो अभी नेक्स्ट मतलब मिस कोबायाशी ड्रैगन मेड एस को लेके। तो बेसिकली इसका एक एपिसोड अनस्ट्रीमिंग था, मतलब अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है जो कि जनवरी 2022 में आ जाएगा, बस सही है वैसे। और यही न्यूज़ थी एनिमे की। इसमें बता दें कुछ मिसलेट अपडेट्स के बारे में। तो बेसिकली पहला अपडेट डीमन स्लेयर को लेके। तो बेसिकली डीमन स्लेयर 2020 में 1 ट्रिलियन येन से आकर बिजनेस किया था, मतलब काफ़ी बड़ी बात है, मतलब बहुत ही बड़ी बात है। तो अभी नेक्स्ट अपडेट है बिशोनन टेंडन को लेके, मतलब बहुत फेमस एनिमे है। तो बेसिकली जो स्टेज प्ले मिलने वाला है जो दिसंबर मिल जाएगा। बेसिकली मेरे ख्याल से हम तो नहीं देख पाएंगे, अगर कोई लीक वीडियो वगैरह आती है तो अलग बात है। तो अभी नेक्स्ट अपडेट टू लव रू को लेके। तो बेसिकली मांगा ने 15 साल पूरे कर लिया है, उसकी एनिवर्सरी पर इन्हें कुछ मतलब रिलीज़ किया, उनका एग्जीबिशन टाइप भी होने वाला है, तो बस सही बात है उनके लिए। और कुछ मेजर अपडेट के बारे में, तो पहला अपडेट अटैक ऑन टाइटन को लेके आ रहा है। तो बेसिकली फाइनल रिजल्ट मिलने आने वाला है जनवरी में। तो बेसिकली उसके लिए ने एक इवेंट अनाउंस किया है जो कि नवंबर 14th को आएगा। और बेसिकली उसमें मतलब सब जितने भी वॉर्ड एक्टर वगैरह मतलब सब शामिल हो गए, तो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तो अभी नेक्स्ट अपडेट आता है कोई लव इज़ हार्ड फॉर टैगो को लेके। तो बेसिकली फिलहाल ही मतलब इसकी मांग खत्म हुई है, तो बेसिकली इसको लेके इवेंट्स वगैरह होने वाले हैं और बेसिकली जो एग्जीबिशन इसका होगा और मतलब बहुत सारे जो अपने पोस्टर वगैरह लगा दिए मतलब बहुत बड़े बड़े, तो बेसिकली इनके लिए मतलब काफ़ी सही बात है। पर अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो वाली मतलब जापान को लेके आ रही है, जहाँ पर जापानीज पुलिस ने एक मैन को अरेस्ट किया है, 6 ईयर्स के मैन को अरेस्ट किया है जो कि मतलब कॉपीराइट लॉ के खिलाफ कुछ काम कर रहा था। तो बेसिकली वो मतलब जो मास्क वगैरह बना रहा था डीमन स्लेयर और जुत्सु काइसेन के, उन्हें बेच रहा था बेसिकली खुद प्रिंट वगैरह करके। तो मतलब उसे अरेस्ट कर लिया गया स्पिना पे, मतलब उसने इलीगली काम किया। तो बेसिकली मतलब गलत बात है वैसे, अगर आप करते तो इसलिए मतलब थोड़ा संभल के करिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तो आना रहा को उड़ने लगा मैं आसमान में।